एवरीवन, रमजान मुबारक टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो जैसे कि आप सबने टाइटल पढ़ ही लिया होगा एंड मेरे इस ड्रेस को देखते हुए भी आप सबने गैस कर लिया होगा दैट टुडे आई एम गोइंग टू ईट ओनली येलो फूड इन सहरी एंड इन इफ्तारी। सो आई थिंक दैट इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग, इट्स गोना बी डिफिकल्ट एज वेल कि सिर्फ येलो फूड इन सहरी एंड इफ्तारी। सो सबसे पहले तो मैं सहरी बनाने जाऊंगी, बट उससे पहले अगर आपने मेरी एंजल वर्सेस डेविल इन रमजान की वीडियो नहीं देखी है जो मैंने लास्ट रमजान में बनाई थी, तो इसका लिंक ऊपर है ये वीडियो देखने के बाद, वो वीडियो देखना मत भूलना। तो चलो सहरी बनाने चलते हैं। अब मैं जान के येलो केक बनाऊंगी। तो वैसे तो मैं सहरी की तैयारी थोड़ी लेट करती हूँ, या तो मैं कभी कभार कबाब फ्राई कर लेती हूँ या फिर जो रात को खाना बना होता है वो खा लेती हूँ, बट आज तो येलो फूड खाना है इसलिए थोड़ा जल्दी करी हूँ ताकि सहरी से पहले सब कुछ रेडी हो ताकि मैं आराम से खा सकूँ। सो मैंने केक को बेक होने के लिए रख दिया है एंड जब पूरा बन जाएगा तो मम्मा निकाल लेंगी। एंड मैंने आप लोगों को इस दफा केक बनाते हुए शो नहीं किया है बिकॉज मैं लास्ट वीडियो में शो कर भी चुकी थी एंड इस दफा मैंने वेनिला एसेंस के बजाय पाइनएप्पल एसेंस डाला ताकि जो केक है वो पूरा येलो येलो हो जाए। एंड अब आई एम थिंकिंग टू टेक अ रेस्ट बिकॉज मैं बहुत थक गई हूँ केक बनाकर, एंड उसके बाद मैं इंशाल्लाह थोड़े और येलो फूड्स बनाऊंगी। सो नेक्स्ट आइटम है फ्रेंच फ्राइज एंड अभी फिलहाल तो मैं आलू को ये पील कर एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि मुझे खाली आलू को पील करने में एंड कट करने में ऑलमोस्ट 20 मिनट्स लग जाते हैं बिकॉज मैं बहुत स्लो करती हूँ आराम आराम से, तो बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन फिर भी चाहे मुझे जितना भी टाइम लगे, मुझे फ्रेंच फ्राइज इतने पसंद है कि मैं 2 से 3 दिन बाद तो ज़रूर बनाती हूँ फ्रेंच फ्राइज। मुझे बहुत पसंद है, चाहे मुझे 1 घंटा भी क्यों ना लगे रोज़ाना, लेकिन मैं बनाती हूँ हर 2 या 3 दिन बाद। ओके, सो ये है मेरा येलो फूड, येलो केक, येलो फ्रेंच फ्राइज, येलो पास्ता एंड ये जो स्मूदी है वो अनफॉर्चुनेटली येलो नहीं हुई। मैंने इसमें बनाना भी ऐड किया, पाइनएप्पल भी ऐड किया, दही वगैरह सब ऐड करके देखा, बट ये येलो नहीं हुई एंड ये वाइट है, तो मैं अब इसको नहीं पीऊँगी। इसके बजाय मैंने ये येलो मिल्क यानी कि इसमें हल्दी डाली है, तो ये मिल्क जो येलो हो गया एंड इसके साथ साथ ये जो मेरा केक है वो भी थोड़ा उसमें क्रैक्स आ गए, पता नहीं मैंने क्या गलती कर दी बनाते वक्त, तो इसमें भी थोड़े बहुत क्रैक्स आ गए, तो मैंने सोचा इसको फ्रॉस्टिंग से कवर कर दूंगी, लेकिन फ्रॉस्टिंग भी इतनी अच्छी नहीं बनी इसकी, तो लेकिन है तो येलो, तो ये तो मैं खाऊंगी, लेकिन स्मूथी बिल्कुल भी येलो नहीं, तो मैं इसको नहीं पीऊंगी, बट केक तो येलो है, तो आई एम गोना ईट दिस। ठीक है, सबसे पहले मैं खाऊंगी ये पास्ता। पास्ता को मैंने स्टोव के ऊपर पहले बॉईल किया, फिर उसके बाद मैंने उसको निकाल कर उसमें चीज़ डाली एंड डिफरेंट मसाले वगैरह डाले, बिकॉज मुझे डर था कि अगर मैं स्टोव में उसको डालूंगी तो हो सकता है कलर येलो नहीं आए, तो फिर मेरे पास सहरी के लिए फिर कुछ भी नहीं रहता अगर इसमें भी येलो नहीं आता, तो इसलिए मैंने उसको निकाल के चीज़ वगैरह सब ऐड किया, उसके बाद उसको माइक्रोवेव में गर्म किया, तो अब उसका कलर येलो है ही, तो आई एम गोना ईट दिस राइट नाउ। बहुत ही चीजी है, बहुत ही यमी है, बहुत मजा आ रहा है खाते वक्त, वेरी यमी। तो गाइस पानी के बगैर सहरी कैसे हो सकती है, पूरा दिन प्यास लगेगी, कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने वाटर में टैंक मिक्स कर दिया, तो ये भी येलो हो चुका है। सो फ्रेंड्स
मैं उठ गई हूँ एंड मैं सहरी करके ऑलमोस्ट 7 बजे तक सो गई थी. एक्चुअली आई वॉज वेरी मच टायर्ड बिकॉज मैंने बहुत सारे येलो फूड्स बनाए थे, केक बनाया था विच वॉज वेरी मच टाइम कंज्यूमिंग, एंड ये सब करके मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी एंड इसलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई सहरी के बाद एंड मैं सो गई थी. तो अभी मैं इफ्तारी की तैयारी तो ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले ही करूँगी इफ्तारी से बिकॉज येलो फूड बनाने और भी बहुत सारे एंड आई होप के अच्छे बने. तो नाउ आई एम थिंकिंग टू मेक माई बेड. सो गाइज इन दिस वीडियो आई हैव शोड यू माई शेयरिंग इफ्तारी रूटीन जिसमें मैंने येलो फूड खाया है एंड आई होप दैट यू ऑल लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. बाय बाय. I have showed you my sehri iftari routine and this is my yellow